हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि विटामिन डी की कमी लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है? किन लोगों में विटामिन डी की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगी। विटामिन डी हमारी बॉडी में बोन, टीथ, इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन होता है। जो लोग स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं उनमें अक्सर विटामिन डी की कमी काफ़ी देखने को मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर वेजिटेरियन डाइट में विटामिन डी बहुत ही कम अमाउंट में होता है। जो लोग फैटी फिश, सी फूड, मशरूम, एग फ्रिक्वेंटली लेते हैं उनमें विटामिन डी की कमी स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन के कंपेयर में कम देखने को मिलती है। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसको खाने के साथ लेने पर इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होता है। ये तो हुई विटामिन डी से जुड़े कुछ फैक्ट्स की बात। अब बात करते हैं कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है उन्हें इसके लिए क्या करना चाहिए। विटामिन डी का सबसे सस्ता सोर्स या कहें तो एकदम फ्री सोर्स है सनलाइट। हमारी बॉडी में सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी बनाने की कैपेसिटी होती है, पर प्रैक्टिकली हम सभी सनलाइट को अवॉइड करते हैं, स्पेशली समर्स में। इसीलिए विटामिन डी की कमी काफ़ी कॉमन है। जिन लोगों का कलर फेयर होता है वो डार्क कलर स्किन वालों के कंपेयर में कम समय में सनलाइट से ज़्यादा विटामिन डी बना सकते हैं। मतलब ये कि डार्क स्किन कलर वालों को ज़्यादा देर तक सनलाइट में रहना पड़ेगा। जिन लोगों को लिवर, किडनी या इंटेस्टाइन माल एब्जॉर्प्शन की बीमारी होती है उनमें भी विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है। सनलाइट के अलावा आप विटामिन डी रिच फूड भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। फिश ऑयल में विटामिन डी नहीं होता है, पर कॉड लिवर ऑयल में विटामिन डी होता है। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन अपनी डाइट में फैटी फिश, सी फूड, एग योक ले सकते हैं। इनमें विटामिन डी 3 पाया जाता है। वेजिटेरियंस अपनी डाइट में मशरूम शामिल कर सकते हैं, इसमें विटामिन डी 2 पाया जाता है। कुछ कंट्रीज में विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड भी आते हैं जिनमें विटामिन डी ऐड किया जाता है। इसके अलावा अगर विटामिन डी की कमी ज़्यादा है तो आप इसके लिए विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। विटामिन डी ड्रॉप में, सिरप में, कैप्सूल में और इंजेक्शन के फॉर्म में भी मेडिकल स्टोर्स पर अवेलेबल है, जिसे आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से ले सकते हैं। विटामिन डी सप्लीमेंट के साथ जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन के भी अगर हो तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। याद रखें, ज़्यादा डोज में विटामिन डी सप्लीमेंट लंबे समय तक लेने पर हार्मफुल भी हो सकता है, इसीलिए इसे बिना मेडिकल एडवाइस के ना लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।